नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप देख रहे हैं महाखबर। गाजीपुर NH 24 पे हम खड़े हैं, जहां से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार महाखबर कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई जाए यहां से। अभी जैसा कि हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, इस बार किसान झुकने के मूड में नहीं है, वापस जाने के मूड में नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे थे देश में कि ठंड के कारण किसान ज़्यादा दिनों तक दिल्ली में नहीं रुक पाएगा, किसान वापस चला जाएगा, उनके लिए भी किसान एक करारा जवाब की तरह दिल्ली की चौखट पर बैठा हुआ है। आपको ये बताएं कि अगर आप खूबसूरत भारत देखना चाहते हैं, जिस सहचर परंपरा की बात भारत के लोग अरसे पहले सुनते थे, अगर आप सहचर परंपरा देखना चाहते हैं, सहचर परंपरा का मतलब होता है कि मैं हूँ तो मेरा दोस्त है तो मेरा वजूद है, मैं हूँ तो मेरा दोस्त है, इस परंपरा के तहत भारत अरसे से चलता आया है। अगर ये खूबसूरती आपको देखनी है तो उसके लिए आपको किसान आंदोलन में आना होगा और उसकी खूबसूरती देखनी होगी। देश की ये संस्कृति है, ऐसा कहा जाता है कि पहले खुद खा लेना ये प्रकृति है, दूसरे को मार कर खाना विकृति है, और दूसरे के खाने की चिंता करके बाद में खाना ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति के तहत ये पूरा किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। ये खूबसूरत नज़ारा आप किसान आंदोलन में देख सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लंगर लगातार चलाया जा रहा है। ये खाने की बात हुई, अब ये मैं दिनेश जी से कहूँगा कि ये टेंट भी दिखाएं। ये NH 24 है जिसको आप देख रहे हैं, ये टेंट हाउस की तरह इसको पूरा बसा दिया गया है, जहाँ किसानों के रहने की सुविधा की जा रही है। मैं अभी टेंट में हम लोग चलेंगे और कुछ लोग जो यहाँ टेंट में बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं जो आई लव किसान के तहत ये चला रहे हैं। आप सब कहाँ से हैं वीर जी? हम रुद्रपुर उत्तराखंड से। रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं। ये व्यवस्था किस क्या सोच के की गई? ठंड से और बारिश से बचने के लिए। ठंड से और बारिश से, हाँ। तो सरकार के लोग और सरकार ये सोच रही थी कि दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, कहीं ना कहीं किसान 2-3-4 दिन में वापस चला जाएगा ठंडी के कारण। अब 27-28 दिन हो गए, किसान जाने के मूड में नहीं है, हम ये टेंट भी लगा लिए हैं, और कितने दिन आंदोलन चलेगा? जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हमारी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा। सरकार मानने के मूड में नहीं है, कैसे होगा देखते हैं क्या होता है। आप अपना नाम बताएं। जसपाल सिंह। जसपाल जी, आप इसी में सोते हैं? हाँ जी। रात को ठंड नहीं लगती? नहीं। तो ये मतलब इसमें हवा नहीं आती है रात को, क्योंकि मौसम सर्द होता है तो ऊपर से शीत भी गिरती है और ठंडी हवा भी दिल्ली में बहुत चलती है, तो क्या ठंडी हवा का असर नहीं होता इसके अंदर? कम होता है इसके अंदर, कम होता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें बाहर से न शीत आती है ना ये हवा गुजरती है, ठंडी हवाएँ जो शीतलहर कहते हैं जिसको, तो वो भी नहीं गुजरती है, जिसके कारण इसमें गर्मी बनी रहती है, घर सा माहौल होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की चादर बिछाई गई है, फिर गद्दे बिछाए गए हैं, ओढ़ने की प्रॉपर व्यवस्था है। तो जो ये किसान आंदोलन को दूर से देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ठंड से किसान वापस चला जाएगा, उनके लिए ये आप मैसेज है, उनके लिए ये किसान यहाँ से लगातार कह रहे हैं कि सुविधाएँ यहाँ सब हैं। जो भी किसान इस आंदोलन में अपने आप को साथी समझता है, जो जहाँ है वहीं से समर्थन करे। हमारे साथ अपना नाम बताएं जी। सोनू चीमा। सोनू चीमा, सोनू जी आप कहाँ से हैं? रुद्रपुर। रुद्रपुर से हैं। ये व्यवस्था करने में कितने दिन लगे? ये 3-4 दिन में। 3-4 दिन में। तो ये अब जब तक आंदोलन चलेगा ये तब तक व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल जी रहेगी, जब तक ये मोदी जी नहीं मानेंगे हम यहीं पे रहेंगे। आज 27वां दिन है, सरकार भी मानने के मूड में नहीं है, तो हम भी मानने के मूड में नहीं है, तो बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता तो कुछ नहीं है, कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। आप अपना नाम बताएं। मैं संदीप संधु। कहाँ से आए? रुद्रपुर से। रुद्रपुर, सब लोग रुद्रपुर से ही हैं? जी जी, रुद्रपुर से। तो हम ये चाहते हैं, हम लोग एक ये आई लव किसान करके चला भी रहे हैं एक, लेकिन सरकार जो बिल आई है उससे ये लगता है कि सरकार किसानों से तो प्यार नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती, तो अब इस नफरत और आप प्रेम बांट रहे हैं, इस दोनों के बीच में रास्ते नहीं नजर आ रहे हैं। रास्ता मोदी जी चाहें तो होगा ना रास्ता, वो चाह ही नहीं रहे। आप देख रहे थे किसान जिसके लिए ये लगातार मुहिम चला रहे हैं आई लव किसान, और ये लगातार कह रहे हैं कि सरकार से हम बातचीत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार ये 3 बिल जो ये काले कानून है सरकार उसको वापस ले ले, हम अपने अपने घर को लौट जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार झुकती है या किसान वापस जाएगा।
धन्यवाद, बने रहे महाखबर के साथ।